गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स की आज डे ब्राइडल की क्लास है. मैं आपको क्लास दिखाती हूँ जहाँ पर मैम डेमो दे रहे हैं. एक लेयर किया है, अभी हम एक और कोट करेंगे ताकि अच्छे से कर. मैं इससे सिर्फ एप्लीकेशन कर रही हूँ, ब्लेंडिंग नहीं कर रही. ब्लेंडिंग मेरी स्पंज से हो रही है. अभी कीप इन माइंड कि हमने अंडर आइज नहीं किए हैं, ठीक है. सो मैंने टू कोट्स यूज़ किए हैं बिकॉज इसका कवरेज काफ़ी लेस है. बट यू कैन सी टू कोट्स काफ़ी अच्छा कवर कर गया. एंड एट द सेम टाइम ओनली आई एम ब्लेंडिंग, साथ ही साथ ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो ड्राई ना हो बिकॉज इसमें सिलिकॉन है. अब इतना जितना लेफ्ट है वील टू द चेस्ट. अब जितना इसमें रह गया है थोड़ा हम इसको अंडर आइज में भी कर लेते हैं. सो अभी तक मैंने कंसीलर नहीं यूज़ किया है एंड फिर भी काफ़ी अच्छा बेस बन गया है. डिपेंड्स कि कवरेज कैसी है और क्लाइंट का फेस कैसा है. अगर उसका फेस अच्छा है, जैसे इसका फेस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी,
इसका मैं रिमूव करके फिर से लगा रही हूँ बिकॉज ये एरिया काफ़ी ड्राई है इसका. सो बिफोर पाउडरिंग ओनली मैंने ये, मेरे को ये पता लग गया था इसकी स्किन कैसे बिहेव कर रही है. सो मैंने अब इसको रिमूव करके, पाउडर करने से पहले ही आपको पता लग जाना चाहिए ये प्रॉब्लम आ गया, बाद में फिर ठीक नहीं हो पाएगा. प्रोडक्ट का वार्म होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ऐसे ही ठंडा प्रोडक्ट लगा दोगे, भी एयर कंडीशन भी ऑन है, ऐसे ठंडा प्रोडक्ट लगा दोगे वो जमने लग जाएगा, फटने लग जाएगा. कहीं भी आपको ऐसा लगा ना तुरंत वाइप आउट कर दो. कोई इतना बड़ा एरिया तो था नहीं कि प्रॉब्लम होगी, आपको एक मिनट भी नहीं लगा ये करने में. सो इस एरिया को मैंने फिर से रिफ्रेश किया. कवरेज चाहिए क्योंकि डे टाइम इसकी स्किन अच्छी है, सो मुझे इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही. किसी की बहुत ख़राब स्किन है, एक होता है ठीक स्किन, एक होता है ख़राब स्किन, एक होती है बहुत ख़राब स्किन. बहुत ख़राब में थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ओके स्किन में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अच्छी स्किन में तो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. उसी के लिए अगर जैसे कोई आपका रेगुलर क्लाइंट है, जैसे आपके सलोन में आता है, तो उसी को आप जैसे कोई भी ब्राइड आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कभी भी ऐसी नहीं है, उसका पूरा फेस स्क्रब होगा, इतने सारे क्लीनअप्स होते हैं, कुछ ना कुछ होगा. अभी ये ऐसे ही आई है क्योंकि तो मॉडल है, ठीक है, इसीलिए इसकी स्किन पे हमें फिर भी थोड़ा काम करना पड़ रहा है. जो ब्राइडल स्किन होती है, या तो उसके एक्ने होएगा.